रॉकफोर्ड रिजर्व। क्या तबीयत है यार बॉटल की। बारूद बॉटल है, एक पूरी बॉटल 950 रुपए की, दिल्ली से। वाव, शक्ल देखिए इसकी। इसकी शक्ल मुझे याद दिला रहा है वैलेंटाइंस की, और मुझे याद दिला रहा है मेरे शावर जेल की। शावर जेल की फोटोग्राफ डाल रहा हूँ मैं। L'Occitane का आता है मेरा शावर जेल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो फरवरी 2022 को ये हुई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये। एक साल हो चुका है उस बात को, मैंने रिव्यू भी किया था इसका लेकिन कभी अपलोड नहीं किया। ओके, बॉटल बहुत शानदार है 950 रुपए के लिए, मैं क्या बोलूं। चीथड़े स्मेल भी इसकी बहुत तेजाबी है, बिल्कुल भी इनवाइटिंग नहीं है। बर्फ डालते इसमें। दोबारा दिखाना चाहूंगा आपको, ये इसकी बॉटल है, ऊपर 1959 लिखा है डिस्टिलरी। ये हमारे आइस क्यूब है आज। अब मैं इसे 5 मिनट बैठने दूंगा। इस रिव्यू में मैं कुछ ना कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा। क्या ये विस्की 950 रुपए की के लिए वर्थ इट है? बिकॉज ये बड़ी सही मार्केट है, 1000 रुपए में आपको फुल बॉटल मिल रही है। अगर आप टीचर्स हाईलैंड लेने जाएंगे दिल्ली में तो 1600-1700 रुपये की आएगी। अगर आप इम्पीरियल ब्लू लेंगे दिल्ली से तो 450 रुपये की आएगी। रॉयल स्टैग विल बी 470 रुपीज़। 420 रुपये की आपको मिलेगी अपनी मैकडावल्स, और 470 रुपये की आपको मिलेगी रॉयल चैलेंज। तो 500 रुपये में वो काफ़ी सारी विस्कीज़ है। तो क्या जो बंदा 500 रुपये खर्चता है विस्की के लिए, क्या वो 1000 रुपये खर्चे इस लाजवाब बॉटल के लिए? देखिए वो तो समय ही बताएगा, बट इसकी लुक से मैं क्या कहूँ आप लोगों को। इसकी लुक इतनी इंटरनेशनल लुकिंग बॉटल है, इतनी यूनिकली इन लोगों ने ये फॉन्ट वगैरह लिखा है, मुझे नहीं याद था कि इसकी लुक इतनी अच्छी थी। तो लुक्स एंड प्रेजेंटेशन के लिए मैं रॉकफोर्ड को फुल मार्क्स देना चाहूँगा। अगर आप इस बॉटल की बात करें या इसके बाहर जो चीज़ें उसकी बात करें, इस कैटेगरी में मेरा मानना है 1000 रुपये से कम की कैटेगरी में ऑल सीजन सबका बादशाह है। रॉकफोर्ड क्लासिक भी मेरे ख्याल से 500-600 रुपये की फुल बॉटल आती है, मुझे याद नहीं दाम। बहुत अच्छी विस्की है, ले लो उसको। लेकिन क्या रॉकफोर्ड रिजर्व आज प्रूव कर पाएगा कि वो सीरियसली इस कैटेगरी में बेस्ट है? क्योंकि जैसे मैंने कहा, इस कैटेगरी में बहुत सारी विस्कीज है जो दम के मुकाबला कर रही है। और 950 रुपीज़ जब मैंने इसका दाम सुना, मुझे लगा अरे यार ये तो बड़ी महंगी है। मुझे अच्छी लगी थी फर्स्ट टाइम, इस बार देखते हैं कि क्या इसका टेस्ट प्रूव करता है इसका। एंड बॉटल बाय मोदी डिस्टिलरी इन गाजियाबाद, वेरी गुड। मोबाइल नंबर एंड ईमेल भी लिखा हुआ है, फॉर सेल आउटसाइड द स्टेट ऑफ यूपी, जो कि बात सही है। तो लुक्स के लिए फुल मार्क्स, वैल्यू फॉर मनी मैं आपको बिल्कुल अभी बताऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि क्या आपको इसको लेके आना चाहिए या फिर रॉयल चैलेंज, मैकडावल्स, ऑल सीजन्स वगैरह विस्कीज को, स्टार वॉकर। कलर की बात करें तो ज़रूर इसका कलर ज़्यादा गहरा है, ज़्यादा डीप है, ज़्यादा डार्क है। इसका कलर ऑरेंजिश नहीं है, बट डार्क ऑरेंज और जैसा है जैसे कि इसकी बॉटल है। इसकी बॉटल ऑलमोस्ट ऑलिव ऑरेंज कलर की है। तो मैं ये देखना चाहूँगा कि क्या ये टेस्ट को जस्टिफाई करता है। अब मेरा स्टाइल है बर्फ़ और पानी मिला के पीने का। मैंने आई थिंक अराउंड 30-40 ml का ड्रिंक बनाया, ऊपर 3 आइस क्यूब डाली, गोल वाली नहीं सही वाली, और थोड़ा एक जो बहुत ही अमेजिंग बात है रॉकफोर्ड की, कि जिन लोगों ने भी इनको बनाई है, मुझे कोई आइडिया नहीं कि इस लोग क्या है, वो लोग कैसे डिसाइड करते हैं, बट दे हैव एन अमेजिंग पैलेट।
बिकॉज ये कड़वी बिल्कुल नहीं होती आपके पैलेट में। कल मैं पी रहा था अमरूद अमैलगम और इस विस्की का रिव्यू आएगा, लेकिन ये कड़वी हो रही थी मेरे पैलेट पे, जबकि इसका दाम 1500 रुपये 1800 रुपये ऐसी कुछ है। अमरूद अमैलगम ब्लेंडेड विस्की, ये कड़वी हो रही थी मेरे पैलेट पे। टीचर्स हाईलैंड भी कई बार कड़वी हो जाती है लेकिन लड़खड़ा के वापस आ जाती है, तो जो कड़वाहट है इसकी बिल्कुल सही मात्रा में है। वो उस ऐसा लगता है गाड़ी कोई क्लिफ की एज पे चला के वापस लेके आ रहा है। लग्जरी और स्मूथनेस दोनों एलिमेंट इसमें मौजूद है रॉकफोर्ड रिजर्व में, और एक तरीके का बढ़पन है जो हर विस्की में गायब है, सिर्फ रॉकफोर्ड रिजर्व इस प्राइस रेंज में आपको मिलेगा। जो इसमें क्लासिकल और पीटी और ओक वाला फ्लेवर है, ज़रूर आप उसको मैन्युफैक्चर्ड कह सकते हैं आप और आर्टिफिशियल कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही तमीज़ से ऑलमोस्ट ऑर्गेनिकली रॉकफोर्ड रिजर्व अपने साथ लेके आती है। शायद इसलिए ये रिजर्व कैटेगरी में आती है, ना कि क्लासिक जो रॉकफोर्ड क्लासिक कैटेगरी है, जबकि क्लासिक ही बहुत अच्छा ड्रिंक है, वो भी लेके आइए। जो मुझे इसका तेजाब वाला एसेंस आ रहा था स्मेल करने पे, वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और मेरे टेस्ट बड्स पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। हल्का सा स्पाइस है इसमें, एक अमेजिंग प्लीजिंग टेस्ट है आपके जो गले में आएगा राइट हुए, तो हिट आपको सही आएगी, इट्स हिटिंग द स्पॉट। और ओवरऑल मैं कहूँगा कि फ्लेवर is not quite like Highland, it is more like a Valentine's, like a inexpensive Valentine's, but it has more, it's more earnest than Valentine's. I think Valentine's जो fine whiskey है, it's okay, but my Rockford Reserve मुझे ज़्यादा पसंद आती है, because कहीं ना कहीं ये real challenger है, which tries to do everything in its price range of $950. दो तीन drink लेके वापस आता हूँ। तीसरी ड्रिंक है और फील आ रही है, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट मिसिंग है इस विस्की में। इसका सर्कल अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं है, बट आई लाइक इट। 950 में टोटल पैसा वसूल, क्योंकि इसमें कई सारे गुण हैं जो कि महंगी विस्कीज में भी नहीं होते। सो गाइस, ये बॉटल इतनी ख़त्म हो चुकी है, मैं कम से कम 7 ड्रिंक पी चुका हूँ एंड अभी मैं एक और ड्रिंक बना रहा हूँ। और रॉकफोर्ड रिजर्व के बारे में एक बात रियलाइज़ कर रहा हूँ कि इसका एक ड्रिंक मेरे ख्याल से आधे या 75% ऑफ अनदर ड्रिंक है, तो इसको आप पार्टी के वक्त पी सकते हैं, बड़ा अच्छा आपको अंदाज़ आएगा। मुझे अभी और किसी चीज़ को मिस नहीं कर रहा एंड आई एम गेटिंग अ वेरी गुड एसेंस। See, this is 5 seconds of waiting. इसमें इतनी फील नहीं आती, इसलिए मैं हमेशा कम से कम आधा 5 मिनट मिक्स करने देता हूँ ड्रिंक को। लेकिन रॉकफोर्ड रिजर्व की अच्छी बात यह है कि इसमें ड्रिंक स्टॉपर भी लगा हुआ है और ये काफ़ी घुलमिल ड्रिंक है जो आपको मदहोश कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर हम बात करें मैकडाउल्स की और रॉयल चैलेंज की, हाँ, उन सब में एक सुरूर बनाने वाली बात है। इंपीरियल ब्लू भी, जो आप लोग बड़े सारे लोग फ़ैन हो, उनमें एक सुरूर वाली बात है बनाने की, बट रॉकफोर्ड रिजर्व उन सबका शहजादा है, उन सबसे ऊपर खड़ा होता है। 5-10% की बात नहीं है, ये कम से कम 20-25% बेटर है उन सब ड्रिंक से, इसीलिए आई लाइक इट। लुक एट दिस, कुछ भी नहीं होता, मज़ा आता है। ये ट्राई मत करना, ये मैं सेकेंड या थर्ड टाइम ट्राई कर चुका, पहले लाइव था, मैं ऑनलाइन था। एनीवेज, मैं अपनी बात नहीं करूँगा, रॉकफोर्ड रिजर्व की बात करूँ, 950 में ये जीत है। अगर ये 1200 की होती तो शायद मैं थोड़ा कहता यार 1200 ये वो, पर 950 में ये स्टील है दिल्ली के लिए, तो दिल्ली वालों जाग जाओ, रॉकफोर्ड रिजर्व लेके आओ। अब मैं पीऊँ ना पीऊँ वो सब मैं आपको बाद में इंडिकेट कर दूंगा, बट आई एम गोइंग टू एंड द स्ट्रीम। और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आप कुछ भी है, तो यार एक एक बहुत बड़ा उपकार है आप लोगों से, मैं चाहता हूँ बहुत बड़ा उपकार है, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं भूखा हूँ, मैं मुझे दे दो 5 करोड़ सब्सक्राइबर,
लक्ष्य खाली 5 करोड़ सब्सक्राइबर है, और बहुत दूर हूँ मैं लक्ष्य से। 5 करोड़ सब्सक्राइबर मतलब 50 मिलियन। सो इट्स गोना टेक सम डूइंग एंड आई नीड योर हेल्प मैन। आई वांट हैव 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड राइट नाउ आई एम एट लाइक 6,340। सो हेल्प मी आउट ब्रो, हेल्प अ ब्रदर आउट। किसी और का ड्रीम सक्सीड होने में जो मजा है, आप लोग पेशाई क्या बोल रहा हूँ मैं, बकवास कर रहा हूँ। चीयर्स गाइस, थैंक यू वॉचिंग द रॉकफोर्ड रिजर्व। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, आई गिव दिस विस्की अ 10, अ परफेक्ट 10। पीस।